ये जो पेंसिल देख पा रहे हैं ऐसा नॉर्मल पेंसिल लकड़ी का होता है, लेकिन ये पेपर का है, ये पेपर का यूज़ किया हुआ है, तो ऐसे फोल्ड है। जब भी हमें काम करते हैं हम ऐसे खोलते हैं। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो पेंट मेकिंग के टूल के बारे में बात करेंगे। टूल कौन से टाइप के हैं, सेरीग्राफी में कौन सा टूल इस्तेमाल होता है, एचिंग में कौन सा टूल इस्तेमाल होता है, लिथोग्राफी में कौन सा टूल इस्तेमाल होता है, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब कि शुरू से शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में दो चीज़ जानेंगे, पहला प्रिंट मेकिंग के टूल, दूसरा कौन सा पेपर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये है प्रिंट मेकिंग के टूल्स। तो शुरुआत करेंगे वुड कट से। वुड कट और लिनो कट में क्या इस्तेमाल होता है, ये वाली टूल। इसको अगर आप देखोगे तो ये प्लास्टिक के हैं और जो कंपनी के होते हैं, और ये जो लोकली आते हैं, और आप लकड़ी के हिसाब से ले सकते हो, क्योंकि ये लोकल इसलिए बोला है क्योंकि इनके जंग पड़ जाते हैं। इसका अगर मेंटेन रखोगे तो ये भी बढ़िया रहते हैं। जब भी ख़रीदने जाओगे तो ध्यान रखना कि सकुरा का नाम लिखा हो। लोकल कंपनियां भी आती हैं जो इससे सस्ते में देगी, लेकिन यहाँ अगर नाम नहीं लिखा हुआ है इस पर तो मत खरीदना, थोड़ा महंगा आता है, 1200 रुपये का ही। जैसे ये वाला टूल है, इसका भी यूज़ कर सकते हो, ये हैंडलिंग के लिए अच्छा है। कार्विंग ऐसा होता है, इस पॉइंट से इसके थ्रू ही कार्विंग होता है, तो ये आप बाय कर सकते हो। अगर मतलब नए हो तो ये वाले बाय कर सकते हो, स्टार्टिंग अगर आपके करियर में या आप स्टार्टिंग कर रहे हो प्रिंट मेकिंग में तो ये बाय कर सकते हो। इसके साथ आपको ये लेना पड़ेगा, ये वाले पेपर, क्योंकि इसको साफ करने के लिए देख रहे। तो ये सैंड पेपर है, 220 नंबर का है। इससे पतले भी ले सकते हो, वो ये इस पर डिपेंड करता है इसको कितना फाइन करना चाहते हो, ये बाद में आता है। ये स्टोन का भी यूज़ कर सकते हो साफ करने के लिए, बहुत ध्यान से करना पानी में डालने के बाद। इसका एक तरीका होता है, ये अपने टूल समझ गए कि टूल कौन सा यूज़ होता है। अब इसका इंक कौन सा इस्तेमाल होता है, ये है इंक डिलाइट, लेटर प्रेस इंक है, ये ले सकते हो। मल्टी कलर आपको लेना है तो जो भी आपको कलर पसंद हो वो कलर ले सकते हो, आपकी प्रिंट मेकिंग के अकॉर्डिंग, जो प्रिंट आप निकालना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग, या ब्लैक ले सकते हो स्टार्टिंग, ये ले सकते हो, या फिर ये वाली कंपनी ले सकते हो, एलके प्रिंटिंग, दोनों से जो आपको सही लगे, जो आपके बजट में वो आप खरीद सकते हो। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 20-30 रुपये का फ़र्क होता है। ड्रेसिंग में यूज़ होने वाला है ब्रेसो। ब्रेसो तब यूज़ होता है जब आप जिंक प्लेट लेते हो, उस पर जब उसको शाइनिंग करना होता है, क्लीन करते हैं ना, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट में हम सफाई करते हैं, उसमें जब जिंक प्लेट क्लीन करते हैं उस पर इसका यूज़ होता है। पानी साबुन का यूज़ नहीं कर सकते सेटिंग में, इससे आप क्लीन करते हैं, देन उसका जो प्रोसेस होता है वो आगे पता चलेगा आपको। अब इस चीज़ में आते हैं, ये ग्राउंड है, इसका यूज़ जिंक प्लेट पर होता है, जब आप ब्रशो से क्लीन करने के बाद इसका यूज़ करते हैं। यह है नीडल, इसके थ्रू ड्राइंग होता है, जैसे हम नॉर्मली पेंसिल से ड्राइंग करते हैं पेपर पे, लेकिन जिंक प्लेट पे इसका यूज़ होता है इस पॉइंटेड से। तो अभी हमने जिंक प्लेट की बात करी कि जिंक प्लेट में क्या क्या यूज़ होता है। इसके आगे आता है ड्राई पॉइंट, वो एक्रेलिक सीट में होता है। एक्रेलिक सीट कुछ इस तरह से दिखता है। एक और है मेजोटिन, वो रॉकर का इस्तेमाल होता है, वो अभी मेरे पास नहीं है, वो थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन वो भी एक टेक्निक है काम करने का, जिस पर ये रॉकर का इस्तेमाल किया हुआ है और बाकी जो एलिमेंट है आपको दिख रहा होगा। तो अब आते हैं स्टेंसिल में। स्टेंसिल का यूज़ होता है पीवीसी का, स्टेंसिल लगाने का जो वाइट पार्ट हमें चाहिए होता है, जो ब्लॉकिंग का सिस्टम होता है उसका यूज़ होता है। और ये पीवीसी क्लीन करने के लिए रिड्यूसर है, इंक बनाने के बाद जिसको लगाते हैं तो इसका यूज़ होता है, इसको कहते हैं स्क्यूजी। इस पर इंक लगा के इस पर काम किया जाता है। तो ये आप काम देख सकते हो कैसे स्क्यूजी का यूज़ किया गया इंक डालने के बाद, देन एक ऐसा आपका आर्टवर्क निकलता है। तो अब आते हैं लिथोग्राफी में। तो लिथोग्राफी में ये जो पैकेट देख पा रहे हो ये है गम। लिथोग्राफी में क्या इस्तेमाल होते हैं, ये पेंसिल, जैसे नॉर्मल पेंसिल होता है, ये ग्लास मार्कर पेंसिल है, ये 5 या 10 रुपये के आते हैं, ठीक है।
इसके अलावा एक और पेंसिल है, ये जो पेंसिल देख पा रहे हैं जैसा नॉर्मल पेंसिल लकड़ी का होता है लेकिन ये पेपर का है। थोड़ा क्लोजली आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो ये पेपर का यूज़ किया हुआ है। तो ऐसे फोल्ड है, जब भी हमें काम होता है हम ऐसे खोलते हैं। मैंने इसका अलग मज़ा है और इसका अपना अलग मज़ा है। अगर आप नए हो तो लिथोग्राफी में नॉर्मल पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो, जब आपको लगता है कि आप थोड़ा एक्सपर्ट हो रहे हो, अपने काम में इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, तो इस पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक और चीज़ मैंने नहीं बताया अभी तक, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका स्पैचुला। आपने नाइफ पेंटिंग में देखा होगा स्पैचुला यूज़ होता है, तो इस प्रिंट मेकिंग में भी स्पैचुला का यूज़ बहुत होता है। तो इंक कैसे निकालो स्पैचुला के थ्रू, और भी स्पैचुला आते हैं अलग अलग टाइप के, वो आप खरीद सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हो। अभी तक आपको मैंने सब चीज़ें दिखा दी है, जैसे इंक हो गया, स्पैचुला हो गया, ब्रश हो गया, टूल हो गए, गम हो गया, रिड्यूसर हो गया, स्क्यूजी हो गया, पेंसिल हो गया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रोलर। इसके बिना काम कैसे होगा? आपको कहीं छोटी जगह पर यूज़ करना है तो ये छोटे वाले रोलर ले सकते हो, जो छोटे छोटे पार्ट करने हो, या फिर आप बड़े वाले भी ले सकते हो, 8 inches के, 6 inches के, जैसे आपको सही लगे, आपके काम के अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हो। अब हम देखेंगे प्रिंट के लिए कौन कौन से पेपर इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला प्रूफ प्रिंट निकालने के लिए होता है न्यूज़ प्रिंट पेपर, जो कि सबसे सस्ता आता है, चेक करने के लिए कि प्रिंट सही आया है गलत आया है। इसके अलावा आप कार्टेज पेपर पे प्रिंट ले सकते हो, सुपर वाइट या ऑफ वाइट पे, या फिर आप आइवरी शीट पे भी प्रिंट ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। इसके अलावा आप बेजलिन शीट ले सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं, 15 से 20 रुपये का आता है। आपने जो काम किया वो लंबे टाइम तक रहे तो आप एसिड फिल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि रोज़ाफिना शीट है। इस पेपर का प्राइस 100 से ऊपर ही होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया होता है। रोज़ाफिना इस्तेमाल कर सकते हो या फिर समरसेट इस्तेमाल कर सकते हो। ये थोड़ा बेसिक पेपर मैंने बताया, आने वाले एपिसोड में बताऊंगा कि और कौन कौन से पेपर है, क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हो कि इमेज मेकिंग क्या होता है। प्रिंट मेकिंग एक पार्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इमेज को कैसे बनाएं, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो देखते रहें। शुक्रिया।